नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। छत्तीसगढ़ के बलोद में आज निशुल्क आयु स्वास्थ्य जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां निशुल्क जांच कर दवाई भी वितरण की गई। आप सभी के सीधा जुड़ चुका हूं बालोद जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी ग्राम नवा गाँव पर। आज स्वास्थ्य विभाग बालोद द्वारा आयुष मेला जन जागरण शिविर लगाया गया है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर उपस्थित हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से यह शिविर गांव गांव में आयोजन किया जा रहा है। हम यहाँ के डॉक्टर उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, पब्लिक लाइव निशन में। सर, पब्लिक लाइव निशन में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आप बताने के प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार की शिविर आपके द्वारा लगाया गया है? ये संचनालय आयुष छत्तीसगढ़ शासन जी एवं जिला आयुष अधिकारी बालोद की ओर से जी प्रत्येक वर्ष आयोजित करने वाले शिविर है जी, जो विकासखंड स्तर पर दो शिविर आयोजित होते हैं जी। तो इस वर्ष का ये विकासखंड स्तर बालोद का प्रथम शिविर है जी। शासन की ये मंशा रहती है कि हम जन सामान्य को अंतिम व्यक्ति तक कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें जी। इस शिविर का भी यही उद्देश्य है जी, जन जन तक, जन मानस तक हम आयुष के माध्यम से जी, उसकी पद्धति के माध्यम से आने वाली मरीजों का रोग निदान तो हम लोग करते हैं जी। साथ ही उन्हें हम एक जागरूकता भी प्रदान करते हैं जी कि हम किस ऋतु में किस प्रकार का भोजन करें जी, दिनचर्या उस ऋतु में हमारा दिन की चर्या गतिविधि कैसी होनी चाहिए जी, उस मौसम में हमारी रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए जी, साथ ही उचित आहार भी। सर, हमें बताने का प्रयास करेंगे कि शिविर में मतलब आप लोग लगाया हो उसमें किस प्रकार की जांच यहां पर मुहैया कराई गई है, किस प्रकार बीमारी का इलाज यहां पर मतलब शिविर लगाया गया है? मोदी जी, इस शिविर में आने वाले मरीजों की समस्त जो बीमारी है उन सबका उपचार किया जाएगा जी। चिकित्सक उसका रोग निदान करेंगे, परीक्षण करेंगे और औषधियां भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है जी। इसके साथ साथ विशेष रूप से जी नेत्र जांच की सुविधा है जी और रक्त परीक्षण की सुविधा है, जिसमें आपका ब्लड शुगर हो गया, आपका जी हीमोग्लोबिन की जांच की सुविधा है। साथ ही जो इस मौसम में जो संक्रामक बीमारी जैसे आपका मलेरिया हो गया, डेंगू, इन जाति की सुविधा है जी। सर, ये बताने का प्रयास करेंगे यह शिविर जिले स्तरीय है या विकासखंड स्तरीय है? ये शिविर विकासखंड स्तरीय है जी। बालोद विकास के पांचों विकासखंड में ये शिविर का प्रथम चरण है जी। तो एक विकासखंड में दो शिविर का आयोजन होता है जी। तो इस प्रकार हमारे जिला बालोद में पांच विकासखंड है, तो कुल 10 शिविर का आयोजन होगा जी। तो आने वाले समय में इसके बाद और कहाँ लगाने का प्रयास है सर शिविर? शिविर का ये जो जगह का चयन, क्योंकि जैसे मैं विकासखंड बालोद का प्रभारी हूँ जी, तो उसमें एक शासन की मंशा रहती है कि हम ऐसे गांव का चयन किए करें जहाँ से 2-3 या 5 किलोमीटर के लिए 8-10 गांव कवर हो जाएं जी जी। तो इसका चयन हम उसके हिसाब से करते हैं जी, गांव और उससे लगे हुए आसपास के गांव, ताकि अधिक से अधिक मरीज आए। साथ ही विशेष रूप से हम लोग जिस दिन उस गांव में बाजार का दिवस होता है जी, जैसे आज बाजार का दिवस जी, तो निश्चित रूप से कि इस गांव के अलावा और अन्य गांव के लोग भी जो आएंगे उसका उनको फायदा मिलेगा। सर, तो यहां पर आपकी टीम से कितने स्टाफ यहां पर पहुंचे हुए हैं? मेरे टीम से, मेरे यहां से कुल 15-17 स्टाफ हैं जी, जिसमें हमारे यहां 5 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जी, 6 हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हैं जी, 3 हमारे यहाँ औषधालय सेवक हैं जी, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपल सीढ़ी से लेख सहायक अधिकारी हैं जी। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपल सीढ़ी से हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन जी। सर, तो यह शिविर मतलब कितने बजे तक आज संचालित रहेगा? ये शिविर का जो समय है सुबह 10 बजे शुरू है और 4 बजे तक चलेगा जी। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अभी खेती किसानी का सीजन चल रहा है जी, तो ऐसे नहीं कि 4 बजे तक जी मरीज आएंगे या 4 के बाद आते हैं, तो भी हम उनको पर्याप्त समय देंगे जी जी जी। पब्लिक लाइव निशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने जो विकासखंड स्तरीय निःशुल्क शिविर आयुष मेला का जो जानकारी हमें प्रदान की है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो शिविर लगाया है बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पर जांच किया जाएगा, उसके बाद दवाइयाँ भी मुहैया कराया जाएगा। विशेष रूप से यहाँ पर बताया गया कि चर्म रोग और जो वात रोग के बारे में रोग, इन सब की यहाँ पर जाँच किया जाएगा। तो धन्यवाद, बने रहिए पब्लिक लाइव निशन जिला संवाददाता।